अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हो आप सब? मैम परेशान है फिलहाल। क्यों, क्या हो गया ऐसा? मैम असेसमेंट्स हैं, फाइनल्स रिशिट आ गई हाँ, है, सारा वाइवा हाँ। मैं तो खुद सब कुछ बड़ी एक साथ परेशान आ हूँ, पता नहीं गया। तुम लोग का क्या। हाँ ऐसे ही है, बस पढ़ना शुरू कर दो, अब यही है, दुनिया छोड़ दो 1 महीने के लिए। प्रेजेंटेशन अच्छा, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सबको क्लियर हो गया है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैंने उसमें वैसे सारा कुछ लिख दिया है। मैंने यही डिसाइड किया है कि तुम लोगों के ऊपर भी थोड़ा कम बर्डन पड़ेगा इस चीज से, तो बेहतर ये है कि जो जो टॉपिक्स तुम लोगों के प्रेजेंटेशन के हैं तो उसी में से मैं तुम लोगों का वाइवा ले लूंगी। ठीक है, सही है ये ओके चीज, मैम। या अलग-अलग से वाइवा देना चाह रहे हो? उसमें ये होगा कि टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा होंगे और तुम लोगों को प्रॉपर वाइवे की तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे मेरा ख्याल है ये ज्यादा नहीं बेहतर नहीं है। नहीं मैम, जो आपके मैम लिए ऐसे ही वो ठीक ज्यादा है, बेहतर है। जी इसी तरह बेहतर है। प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं, दो दो तीन तीन टॉपिक्स हैं, उसी के मैम, बीच में से वाइवा। ऐसे ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, ये तुम लोगों की आसानी के लिए मैंने किया है, क्योंकि टाइम भी कम है और ताकि तुम लोग प्रिपेयर भी कर लो। सही है। और इसके अलावा ये है कि कोई क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो जैसा होती है, मेरा ख्याल है तुम लोगों को पता ही है। कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, बाकी ग्रुप मेंबर्स अपने अपने जितनी भी स्लाइड्स तुम लोगों ने डिवाइड की होंगी, बोलना सबने है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर 10 बंदों का ग्रुप है तो 2 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन सबसे होंगे, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। किसी को कोई मसला है टाइमिंग से किसी चीज से रिलेटेड, वो मुझे अभी बता दो या आज रात तक मुझे ईमेल कर दो। ठीक है, इसके बाद मैंने किसी को एंटरटेन नहीं करना, फिर चाहे तुम लोगों को जो मर्जी हो। सही है, अगर कोई असेसमेंट्स है, आप जैसे मुझे एक दो बच्चों की ईमेल आई है कि हमारी असेसमेंट्स है उसी टाइम पे किसी और सब्जेक्ट की, तो आप आगे पीछे कर लें, तो वो ठीक है, उनको मैं कर लूंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी का मसला है तो मुझे आज रात तक एटलीस्ट आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, और टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाना, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह, इमेजेस वगैरह ज्यादा डालना, कहानी कम लिखना। ठीक है, और कैमरास वगैरह अपने ऑन रखना, तैयारी पूरी होनी चाहिए तुम लोगों की। ठीक है, अच्छे से तैयार होना। ठीक है, और क्या होगा, बस मैम टाइम कोई का ही इशू है अच्छा सबको। हाँ, टाइम का सच में तुम लोगों को बता दूं। अच्छा देखो, टाइमिंग जो मैंने लिखी है ना, वो मैंने स्टार्टिंग की टाइम लिखी है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने लिखा है कि 2 बजे स्टार्ट होगा, तो पहले ग्रुप का 2 बजे स्टार्ट होगा। पहले ग्रुप को 15 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, और उसके बाद 15 to 20 मिनट ही लगेंगे उनकी उनके वाइवा में। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा वाइवा तो हमारा है नहीं, छोटा वाइवा है। ठीक है, क्वेश्चन कम होंगे, परसेंटेज बेशक ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ही होंगे। तो मैम ये जी कब है? जी मैंने आवाज नहीं सुना मैम। मैम जी मैम जी मैम हाँ देखिए, परसों वाइवा ये प्रेजेंटेशन है ना, हमारे ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं। आपको भी पता है कि 10 लोग इतनी जल्दी पीपीटी नहीं बनाते, सारा काम किसी एक बच्चे के ऊपर आ जाता है, वो एक बच्चा बनाएगा, बाकी सारे फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए फारिग हो जाएगा, उनके पास टाइम भी होगा प्रिपेयर करने का। तो हम एक दिन आगे करते हैं नहीं, या 1 दिन आगे करते हैं, क्योंकि मैम एक काइंडली बच्चे डेट पर तो एक्सटेंड ज्यादा ही करते बर्डन हैं आएगा, सबके ऊपर नहीं आएगा, यस मैम प्लीज। नहीं, तो मेरी क्योंकि बात सुनो ना, तो आपके आप लोग पास देखो इतने सारे एक बच्चे के काम ऊपर नहीं बर्डन डाल करते रहे हो। हैं मैम, कोई बच्चा काम नहीं करता ना, अभी मेमो की असाइनमेंट करनी थी, मैं बना के नहीं फारिग हो गई हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप मेंबर्स ने अभी तक नहीं बनाई हुई। सिटी में भी वैसे ही होगा, तो फिर फायदा तो नहीं होगा ना, एक या दो बच्चे मिलके प्रेजेंटेशन पूरी बना बना देंगे, बाकी वही आके दे देंगे। लेते, अभी क्यों नहीं हमारे पास बना लेते लेकिन सारे नहीं बच्चे? नहीं मैम मैम सब सब ऐसे ऐसे नहीं नहीं काम करते हैं, पड़ेगा चंद तुम्हें। बच्चे ऐसे करते हैं, बाकी सब तो ऐसे नहीं करते हैं। हमारा ग्रुप तो हाँ बहुत, मतलब सब भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। सब भी करते हैं, हर कोई अपना अपना टॉपिक बताना है। सबने बोलना शुरू कर दिया। 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, सारे बच्चे काम नहीं करते। ठीक है, तो सारे बच्चों को काम पे लगाना मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आप लोगों की ड्यूटी है। अगर आप लोगों ने मुझे एक ग्रुप बना के दिया है कि ये 10 मेंबर हैं हमारे और हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो अब ये आप लोगों की चॉइस है कि जैसे अगर प्रेजेंटेशन में मैंने तुम लोगों को दो टॉपिक दिए हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन है और कंट्रास्ट है, तो एक बच्चा पेशेंट प्रिपरेशन वाला पार्ट प्रिपेयर कर रहे। ठीक है, अपने साथ 2 बंदों को और मिला ले, वो डाटा इकट्ठा करें, जो भी चीजें उसमें लिखनी है वो लिखें। ठीक है, जो अगला टॉपिक है कंट्रास्ट वाला, बेशक आप लोगों की प्रेजेंटेशन एक ही होगी, ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मासूमा, अगर आपका टॉपिक था, आप अपने टॉपिक में से कोई 4 5 स्लाइड्स जो आपने एक्सप्लेन करनी है, आप उनको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप उनको बनाकर एक दूसरे को फॉरवर्ड करो, अगला बंदा उसमें ऐड कर दे, उसके बाद अगला बंदा उसमें अपने अपने पार्ट की ऐड करते जाए। ठीक है,
इसरा आप एटलीस्ट प्रिपेयर कर लोगे, प्रिपेयर करने के बाद जो बाकी आप लोगों का सवाल जवाब वाला सेशन जो मैंने तुम लोगों को वाइवा लेना है उसमें फिर आप सबका क्लियर हो जाएगा। मैं भी इस चीज को नोटिस कर लूंगी भी किस बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है प्रेजेंटेशन पे, उसको मार्क्स भी मैं उसी हिसाब से दूंगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आपकी प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, ठीक है, तो आपको मार्क्स उस हिसाब से उन बच्चों से ज्यादा मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। मैम जो आप लोग इवन ये भी कर सकते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो कि एक प्रेजेंटेशन ना बनाओ, ठीक है, मतलब आप 30, मैंने कहा है कि 30 से 35 स्लाइड होनी चाहिए, 20 से 25 जितनी भी लिखी हुई है, ठीक है, उतनी स्लाइड अगर होनी चाहिए तो हर बंदा अपनी अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर ले, वो अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करे, अपना अपना पार्ट बताए और फिर चला जाए। ठीक है, अगर हम इतनी जल्दी जल्दी भी सब कुछ करेंगे और फिर हर बच्चा काम भी करे, तब आप लोग खुद इस चीज को मैनेज करो ना। थोड़ा सा टाइमिंग मैं बता देती हूँ, 2 बजे जो है वो पहले ग्रुप का होगा, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम एक ग्रुप को 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, सारी चीजों में, ठीक है, तो बाकी बच्चे जो है वो उस हिसाब से भी थोड़ा सा वेट करेंगे। मतलब आप लोगों को टाइम स्लॉट बेसिकली इसलिए दिया हुआ है कि आप लोगों की इस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, पहले ग्रुप का 1 बजे स्टार्ट होगा, उसके बाद उसी दिन में 3 ग्रुप और हैं, तो उनका उसी हिसाब से उसके बाद जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद 1-1 घंटे बाद ऑलमोस्ट जो है वो होता जाएगा। ठीक है, आप बीच में और काम भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को एंगेज नहीं कर रही कि 4 घंटे मेरा ही इंतजार करो बैठ के, ठीक है मैम। जो आपने वाइवा लेना है सिर्फ उसी टॉपिक में से लेना है या आपने मतलब लेक्चर्स में से लेंगे? आप लोगों ने चीजें लिखी है कि भाई क्या लिखा हुआ है मुझे बताओ, ठीक है, आप मैं उसमें से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, या फिर मैं जो भी टॉपिक, जैसे अगर वही बात है कंट्रास्ट का टॉपिक है तो कंट्रास्ट की जो जितनी भी डोमेन है यानी कंट्रास्ट के बीच में जो जो चीजें आती है मैं उसमें से क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैम टाइम थोड़ा सा दे दें, देखिए पीपीटी बनाने में ही 1 दिन तो लग जाएगा, तो और भी सब्जेक्ट्स हैं प्लीज मैम। यस मैम, असाइनमेंट भी कम मैम बहुत ज्यादा, मैं अभी हमने 2 असाइनमेंट्स भी दिए, यस मैम 18 को वाइवा है और इसको भी वाइवा है मैम, काइंडली 1 मिनट। सारे बच्चे भी बैठ के अपना पार्ट प्ले करो ना, तो पीपीटी बनाने में 1 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, मैं खुद भी लेक्चर बनाती हूँ, ये 30-35 जो स्लाइड्स के लेक्चर होता है उनमें 1 घंटा लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, उसी दिन हमारी प्रेजेंटेशन भी है, प्रेजेंटेशन और वाइवा इकट्ठा नहीं देना। अगर वाइवा मुझे बता दो, अगर वाइवा अलहदा देना है तुम लोग, यानी 90 लोग इस टाइम मेरे पास, ठीक है, अगर तुम लोगों ने वाइवा अलहदा देना है तो उसके टॉपिक ज्यादा होंगे, ठीक है, और मैं उसको मेरे अलहदा कंसीडर करूंगी। प्रेजेंट कर रहे हो, मेरी बात सुनो, प्रेजेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, बाद में जो बाकी टाइम होगा 10 मेंबर है, मैंने कहा तो कम क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी तुम लोग फारिग हो जाओगे, अपना अपना पार्ट प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि अगर आप लोगों ने 4 मतलब जैसे आप हो, ठीक है, आपने 4 स्लाइड बनाई है तो मैं आपसे उसी 4 स्लाइड में से क्वेश्चन करूंगी, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक आपको मैंने असाइन किया है, ठीक है, जैसे अगर मैंने आप लोगों को सीटी की इमेज प्रोडक्शन का टॉपिक दिया तो इमेज प्रोडक्शन के जो पूरे टॉपिक में से मैं 10 के 10 मेंबर में से किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, टॉपिक वही होगा, अगर मैंने इमेज प्रोडक्शन दिया तो मैं उसी में से क्वेश्चन करूंगी, मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन होंगे सबसे क्वेश्चन, ठीक है, और उस टॉपिक के अंदर असाइनमेंट कब तक कर, क्या चीज असाइनमेंट? यस मैम, कब तक सबमिट करवाना है? कल का कहा था असाइनमेंट का टाइम, मैंने लिखा हुआ है असाइनमेंट का टाइम, मेरा ख्याल है आज 8 बजे तक है, आज रात 8 बजे तक आप करवा दो सबमिट। मैम आपने मुझे मेल करी थी कि 14 तक हम लोग करवा दें। अच्छा, था इशू, हाँ ठीक है, आप लोग मतलब नेक्स्ट डे तक कर लो, थर्सडे तक आप लोग जो है वो करवा सकते हो, कल तक आप सबमिट करवा दो। ठीक है,
इतनी वैसे लंबी है नहीं है, मतलब आप बनाने बैठो पता भी नहीं चलेगा, इतनी लंबी है नहीं, असाइनमेंट छोटी है, काफी बच्चों ने करवा भी नहीं हुई है। एक्चुअली लंबी बात नहीं है, एक साथ इतनी तारीख की ऊपर आनी है ना, तो सारी चीजें बनाएंगे ना वो देखते देखते, मतलब उसमें हर एक चीज की अलग अलग से टेक्निक ऐड करनी पड़ रही है, लाइक वो कुछ उसमें से चीजें मिल भी रही है और कुछ फिर मतलब वो मिक्सिंग हो रही है ना, इसलिए कंफ्यूजन भी साथ में ज्यादा चीजें। वैसे मैंने, आप लोग ऐसा करो गूगल पे सर्च करो, आप लोगों को इमेजेस भी मिल जाएंगी, स्लाइड शेयर के ऊपर देखो आप लोगों को पूरी बनी हुई पीपीटीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प करूँ तुम लोगों की, ठीक है, बनी हुई पीपीटीज मिल जाएंगी। मैंने तो इतना आसान कर दिया, मैंने कहा कि इमेजेस लगा दो और कुछ ना करो, मुझे सिर्फ इमेजेस लगा दो बीच में से, ठीक है। प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं है, मतलब सिर्फ इमेजेस लगा दें, उसके अलावा हम अगर लाइक रिटन में नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, चलें ठीक है। लाइक अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, उसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम ना दें और उसके सिर्फ पॉइंट्स बना के इमेज लगा दें सिर्फ, ओके हाँ ठीक है। मुझे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग लिखो कि ऐसा पेशेंट आया, हमने लिटाया, हमने ये किया, वो नहीं किया, बस सीधा पेशेंट की प्रिपरेशन है, पेशेंट ऐसे लेटा, उसका आर्म जो थी वो साइड पे थी, ऊपर थी, सिर्फ ये दो बातें लिखो, पॉइंट्स में लिखो और साथ जो है ना उसके वो लिख दो कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा, ये चीजें मैंने सारी उसमें मेंशन मेल में की हुई है कि आपने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने लिखा मुझे वही दे दो, बड़ी बात है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल मुझे नहीं चाहिए, हाँ लिखो मैम जो ग्रुप बल्कि वाली जो है कुछ बच्चों ने मुझे सबमिट करवाई है, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने ब्रेन की बहुत अच्छी खासी डिटेल लिखी हुई है, उतनी डिटेल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही जा रही है उसमें, हमने जहाँ पे भी सर्च किया ना उसमें डिटेल्स आ रही हैं। अब जो मैं भी प्रेजेंटेशन में आ रहा हूं ना उसके ऊपर भी कम से कम मेरे 12 पेज बन जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इमेजेस सर्च करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर जैसे ब्रेन की हम बात करें, ब्रेन की ब्लड सप्लाई की, मैंने बल्कि अपनी स्लाइड में इमेज भी लगाई थी कि मुझे इस तरह की इमेज को दिखा देना कि आपका कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट है, वो कौन सी आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इस आर्टरी में मसला आया या इस आर्टरी में इस्कीमिया वगैरह हुआ तो उसका मतलब है कि हमारा ये आ रहा है कि उसके अकेले के लिए आर्टरी की पिक्चर नहीं आ रही। अगर हम इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं तो वो पूरे पूरे मतलब ब्रेन की जो सर्कुलर वेलस की पूरी पूरी पिक्चर्स दे रहे हैं और उसके ऊपर लेबलिंग हुई है, भी साथ साथ आ रही है, उसमें स्ट्रोक आ रहा है तो स्ट्रोक के साथ आ रहे, नॉर्मल नहीं आ रही। आप मेरे पास मैम ठीक है, आप जैसे कह रही हैं हम वैसे कर देंगे, बस आप लोग छोड़ दो यार बात को, यार मेरी बात सुनो। अब मैंने तुम लोगों को प्रेजेंटेशन ये थोड़े से ना एफर्ट मैंने तुम लोगों को खुद करने को दिए, ठीक है, जो असाइनमेंट है तो इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा खुद खुआरो, ठीक है। ये भी मैं बना के तो नहीं ना दे सकती कि यहाँ यहाँ से उठा लो ये कर लो, ठीक है। चीजें आप लोग समझ आएगा ना कि क्या लिखना चाह रहे हो, अब इससे ज्यादा आसान में क्या करूंगा, तो कुछ समझ नहीं आ रही। यस मैम हमने बनाई है, ठीक है मैम, ठीक है आप जैसे कह रही हैं ठीक है। मैम ग्रुप वन में सिर्फ सीटी इंट्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन बनानी है ना? हाँ जी, आपने सीटी इंट्रोडक्शन बनाना है, सीटी होता क्या, सीटी की इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने लिखने की, सीटी किन केसेस में करते हैं किन केसेस में नहीं करते, ठीक है। और साथ आपने उसके बारे में जो है एक और चीज भी थी बीच में, सीटी की जनरेशंस के बारे में डिटेल थी, जनरेशंस की डिटेल, वो चीज आपने। मैम हमारा ग्रुप वन है तो आपने ग्रुप 1 टू 4 टॉपिक फोर ग्रुप के सेम होंगे इंट्रोडक्शन जनरेशन। हाँ जी, जो ग्रुप 1 टू 4 है, चार ग्रुप के टॉपिक जो है वो सेम है, एक ही टॉपिक है, इन चारों ने यही टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इनका वाइवा भी इसी टॉपिक में से होगा, ठीक है। मैम जो हमारा मैम वो जो इंट्रोडक्शन हमारा ग्रुप 4 है उसके बारे में कहेंगे मैम। मैम हमारे ग्रुप के 2 बजे है, तो हम 2 बजे हमारा अल्ट्रासाउंड का लेक्चर है तो उस टाइम नहीं दे सकते, तो टाइम चेंज कर दें। अगर दो बजे का मतलब ये है, 2 बजे का मतलब ये है कि 2 बजे ग्रुप 1 का स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्रुप 1 को जितना टाइम लगेगा उतने देर में आपका जो लेक्चर है जो सारा कुछ है वो आप उस हिसाब से कर लो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अगर 2 बजे आप लोगों का प्रेजेंटेशन स्टार्ट होनी है, इवन आप ये बात किसी टीचर को भी नहीं करोगे कि हमारा जी इस दिन कोई सीटी है या उस दिन हमारा कोई प्रेजेंटेशन है कुछ है, ठीक है। आप लोग मतलब जिस ग्रुप की टाइमिंग है वो अपने ग्रुप अपने टाइमिंग में आएगा, मतलब 2 से 3 बजे तक एक ग्रुप का होगा वो चला जाएगा, फिर अगले ग्रुप की बारी है, उतनी देर में जो बाकी ग्रुप है वो अपना काम करें, मैंने उनको एंगेज नहीं रखना अपने साथ, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो, सिर्फ आपके जो ग्रुप की टाइमिंग होगी मैं ईच ग्रुप हर ग्रुप को मैं उसके टाइम पे यानी जो भी जितने टाइम में एक ग्रुप फारिग होगा मैं उसको ईमेल कर दूंगी उसका लिंक, ठीक है। ग्रुप्स मैंने तुम लोगों के बना दिए हुए। मैम ये ग्रुप की अपनी मर्जी है कि वो मतलब इंडिविजुअली अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं स्लाइड्स के वो ग्रुप के मतलब कि पूरा पीपीटी बना के। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आई, क्या कह रहे हो, अपनी मर्जी से क्या प्रेजेंट करना है? मैम ये ग्रुप्स की मर्जी है सबकी कि वो मतलब अपनी सिर्फ स्लाइड शेयर करें या फिर इन्होंने ओवरऑल पूरा पीपीटी बना के शेयर करना, कोई एक बच्चा शेयर कर दे या फिर सारे बच्चे अपनी अपनी स्लाइड शेयर कर।
मेरी बात सुनो, बेहतर ये है कि एक ही बच्चा बना ले, ठीक है, एक बच्चा बनाने से मुराद ये है कि वो बाकी सबसे उनका उनका पार्ट कलेक्ट कर ले और उसको एक स्लाइड में रख ले, ठीक है, एक पीपीटी बना ले उसकी, ठीक है, वो आप ये नहीं, एक बच्चा शेयर करेगा तो बाकी सारे उसको प्रेजेंट कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी, हर बच्चा अपनी अपनी चार चार स्लाइड खोलने बैठेगा तो उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, बना अलग अलग लो लेकिन फिर आप उसको कंबाइन कर लो, मैं ये कह रही हूँ, आपको प्रेजेंटेशन भेजनी, मुझे प्रेजेंटेशन भेज देना, ईमेल कर देना, खत्म होता है तो उसके बाद ईमेल कर देना, ठीक है, मतलब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो उसके बाद जो जिस ग्रुप की हुई होगी वो अपनी ईमेल पे मुझे कर देगा कि हमारी प्रेजेंटेशन थी, बाकी मार्क्स और वाइवा वगैरह मैं उस टाइम लगा लूंगी साथ साथ जो मुझे सही लगेगा, ठीक है मैम जी। मैम मैंने आपको मेल की थी कि मेरा उस दिन पैथोलॉजी का वाइवा है, जी जी ठीक है, आपको एक आपने ईमेल की थी और एक और बच्चे ने मुझे ईमेल की थी, ठीक है, आप लोग दो तीन बच्चे हो जिनका जो है थोड़ा सा इशू है तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं नेक्स्ट डे पे ले रही हूँ, मेरे ख्याल है शायद मैंने आपको बता भी दिया था कि नहीं बताया, सही है, थैंक यू, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम आपने हमारा ग्रुप 10 है, हमारी 16 को है सैटरडे को, लेकिन उस दिन हमारी मैमो की ना प्रैक्टिकल क्लास है ऑन कल, अच्छा, और सेम टाइमिंग पे है, हमारी 12 o'clock स्टार्ट होनी है और 1-2 आएगा मे बी हमारे टाइम, तो हमारी 1:30 टू 3 o'clock तक ऑलमोस्ट क्लास है कैंपस में, तो आप लोग फिर एक दिन पहले दे दो, ठीक है मैम, मैं अपने ग्रुप मेंबर से डिस्कस करके तो आपको मेल कर दूंगी, हाँ फिर आप मुझे फ्राइडे को दे दो, जैसे अब ये वाला ग्रुप जो है, जो ये वाली बच्ची वाला ग्रुप है अभी जिसने बोला था, वो अगर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो रहा है तो आप लोग उसे पिछले वाले दिन पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, वो इशू नहीं है, मुझे टाइमिंग का ऐसा इशू नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे मैं उस तरह की नहीं हूँ कि आप लोग नहीं इसी टाइम पे है ये वो, टाइमिंग का मुझे कोई इशू नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, देने वाले बनो और इसी वीक में सैटरडे तक मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दे के फारिग करो, ठीक है, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है, किसी को कोई इशू है बनाना ना बनाना ये अब आप लोगों का अपना मसला है, बच्चे काम नहीं करते तो बच्चों को काम पे लगाओ, ठीक है, आप जैसे टॉपिक है एक बच्चे को दे दो कि तुमने पेशेंट प्रिपरेशन की चार स्लाइड बना के मुझे अभी सबमिट करवानी है ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में डालूं, ठीक है, तो ये आप लोगों का काम, कैमरा ऑन रखना है, मैंने आप लोगों की शक्लें देखनी है, मुझे पता चले बच्चे कौन है, ठीक है मैम, इसलिए अच्छा सा तैयार करना, हाँ जी मैम मैंने असाइनमेंट के रिलेटेड कुछ पूछना था कि जो आपने टास्क 2 दिया है वो मस्कुलोस्केलेटल वाला, मैम मैंने उसमें पूछना था कि आपने लिखा कि एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स विद लेबल डायग्राम, तो हम जो सीटी स्कैन की पिक्चर है उसके अंदर ही सारे उसके एनाटॉमिक पार्ट जो है वो शो करेंगे या फिर सिंपल जो एनाटॉमी की पिक्चर है वो लगाएंगे उस पार्ट की, नहीं सीटी वाले, सीटी वाले देखो क्रॉस सेक्शनल, हम सीटी कह रहे हैं ना, हम क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें देखनी आनी चाहिए, सामने वाले स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि अभी हमारे रिस्ट में ये बोन्स होती हैं और ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारी फोरआर्म में ये होता है, ये चीजें तो पता ना, शोल्डर जॉइंट का भी हमें पता है, ठीक है yes. मेरा ख्याल है यकीन पता होगा, ठीक है, तो वो हमें पता है, वो मुझे नहीं चाहिए, आप लोग मुझे क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी जो है सीटी वाले एनाटॉमी है मुझे उसकी इमेजेस डाल के दो लेबल, ठीक है, सिर्फ इमेजेस नहीं डालने, उनको एक दफा गो थ्रू भी कर लेना, मस्कुलोस्केलेटल वाला टॉपिक आप लोगों ने एक तरह से खुद कवर किया तो आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है यस मैम, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को चीजें पता है, आप लोगों को पता है कि ब्रेन के कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है, अगर इमेजेस डाल दो अच्छी बात है, डिटेल लिखना चाहते हो, मुझे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग किसी बुक का पूरा छापा मार दो अपनी उसके ऊपर, ठीक है, मुझे छापे नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स में लिख दो कि इस एंटीरियर पार्ट है इसको ये सप्लाई करिए, पोस्टीरियर पार्ट है इसको ये सप्लाई करिए, ये चार बातें लिख दो उसके बीच में, ठीक है ओके, और उन चीजों को याद भी करना है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बना के बस छोड़ के भाग दो, सही है मैम, आज रात को सबमिट करानी है, 12 PM तक टाइम है, 12 PM तक मैंने वैसे आज रात का टाइम दिया था लेकिन कुछ बच्चों के और भी, नहीं नहीं मैम आप आज रात 12 बजे का ना करें, कल 8 o'clock का ही करें इवनिंग में, क्योंकि टाइम नहीं है, कल करवा दो थर्सडे को 8 बजे तक, कल रात 8 बजे तक आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दो, ठीक है ओके मैम, और बाकी प्रेजेंटेशन वाले तैयारी रखें, कल उनकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पहले चार ग्रुप जो है मैम, ग्रुप 5 से 8 तक आपने टाइमिंग जो है वो 2 बजे दी है, तो मतलब ग्रुप 5 की 2 बजे प्रेजेंटेशन होगी, जो हाँ जो फर्स्ट ग्रुप है यानी जो ग्रुप नंबर 5 है उसकी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाद जितना टाइम लगेगा उसके बाद अगले ग्रुप को मैं लिंक भेज दूंगी उनका होगा, ठीक है, एटलीस्ट एक एक घंटा मार्जिन रखो, ठीक है, कि अगर पहले ग्रुप को 1 घंटा लग रहा है तो आपके ग्रुप को उतना टाइम लग जाएगा,
ठीक है, इस तरह से खुद भी अपने ध्यान में रखो, मैं लिंक भी साथ साथ भेज दूंगी। लेकिन ये नहीं है कि इस इन 3-4 घंटों के दरमियान में अगर आपके कोई लेक्चर या कुछ असेसमेंट या कोई ऐसी चीजें तो आप बीच में वो मिस करवा दो और आगे से बहाना ये मारो कि हमारा सीटी का वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रही है, तो इस तरह के ड्रामे नहीं करने। ठीक है, मुझे सिर्फ आप लोगों का दिन में 1 घंटा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही है, मतलब आप लोग अपने टाइम के अलावा आगे पीछे आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, सिर्फ जब मैं आप लोगों को तैयारी भी तो करनी है ना। वैसे हम आइंस्टाइन थोड़ा ये गद्दारी की दे दी, तैयारी क्या करनी है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सामने खोल के तुम लोगों ने पढ़ के बताना है मुझे उसमें क्या करना है। मैम उसका वाइवा भी आपने लेना है ना, तो वो तैयारी नहीं करनी। तो टॉपिक कितने आसान है, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, पढ़ना तो शुरू करो, पढ़ा है नहीं, पहले ही डॉलर डाला हुआ है बस। मैम कल का वाइवा जो है वो प्रेजेंटेशन है, 3 बजे से स्टार्ट करें। सॉरी क्या कह रहे हैं मैम, कल की प्रेजेंटेशन ग्रुप 1 की जो है वो 3 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का अल्ट्रासाउंड का जो लेक्चर है 2 से 3। देने वाले बनो, मैं एडजस्ट कर करके थक गई हूं, तुम लोगों को देने वाले बनो, पढ़ने वाले बनो, टेंशन ना ले मैम। मैम आप बहुत मैम, जिसका अभी तक ग्रुप नहीं बना हो तो वो किसी भी ग्रुप में एडजस्ट होके आपको मेल कर दे। किसका ग्रुप नहीं बना, कौन रह गया अब? मेरा था, एक अकेले को नहीं पता था। आप ऐसा करो कि जो एक और ग्रुप में है, ग्रुप 12, ठीक है, वो 2 बच्चियां वो आप लोगों की सीनियर है, आप उनके साथ एडजस्ट हो जाओ और उनका वाला जो है ना टॉपिक आप ले लो, जो लास्ट ग्रुप है ना उसका टॉपिक आप ले लो। मुझे समझ आ रही है, किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं है, मतलब हद होती है, मतलब कब से मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि ग्रुप जो है ना वो बनाने और प्रेजेंटेशन देनी है, आप भी उन्हीं के साथ कॉन्टेक्ट करो और जो है लास्ट वाले ग्रुप में ऐड हो जाओ। चलो ठीक है, ईमेल भी कर दो मुझे, और जो लास्ट टॉपिक है लास्ट वाले ग्रुप का पेशेंट प्रिपरेशन वगैरह वाला वो आप लोगों का है। सही है, जो एक्स्ट्रा बच्चे रह गए हैं। मैम ग्रुप 3 में भी 8 स्टूडेंट्स हैं। मैम वो हमारा ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी 11 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कर ले। नहीं नहीं, आप लोग जो 11 स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है ना वो नहीं है, इसके अलावा एक और ग्रुप 12 है, उसकी मैंने ईमेल नहीं की, वो ग्रुप यानी बाद में बना है, उन बच्चों ने मुझसे बाद में कॉन्टेक्ट किया, वो आप लोगों के सीनियर्स हैं। ठीक है, तो उनके वो 2 ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उनके साथ मैं इनको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप जैसे हैं आप उनको वैसे ही रहने दो, चाहे 8 हैं चाहे 7 हैं, जितने भी हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल है 11 तक ही सबसे ज्यादा एक ग्रुप के हैं, बाकी सबके तो 8 से ऑनवर्ड ऊपर ही हैं, तो खैर वो कुछ नहीं है, देने वाले बनो, बस प्रेजेंटेशन दो यार और वाइवा दो। मैम जिनका इंट्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं डालो क्या है, सॉरी इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक मैम। हाँ इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि सीटी ऐसे होता है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी पता है। ठीक है, मुझे सीटी की थोड़ी डिटेल बताओ, उसकी थोड़ी फिजिक्स बताओ, ठीक है, कि उसके बीच में क्या क्या चीजें हैं। सीटी के इंट्रोडक्शन में किसी ले मैन को, यानी मुझे इस टाइम ये समझना आप लोग कि मुझे सीटी का कुछ नहीं आता, मुझे तुम लोगों ने पढ़ाना है। ठीक है, तो जो जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए वो मुझे तुम लोगों ने बतानी है। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी उसकी फिजिक्स भी आएगी कि इमेज कैसे बन रहा है, थोड़ी बहुत बिल्कुल बेसिक टच करना उसको। ठीक है, और इस तरह की चीजें कंट्रास्ट वगैरह बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं कंट्रास्ट एजेंट्स वगैरह उनके बारे में भी बताना होगा थोड़ा बहुत टच वगैरह। कंट्रास्ट का, हाँ कंट्रास्ट का आप मुझे बस इतना बता दो कि हम इसमें कंट्रास्ट देते हैं, कंट्रास्ट हम क्यों देते हैं, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना होता है डेंसिटीज को डिफरेंट को। ठीक है, इस तरह की 2-4 बातें लिख दो, कंट्रास्ट की पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो कंट्रास्ट वाले जिन बच्चों का टॉपिक है वो लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में नहीं लिख सकते मैम फिर वो? हाँ इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने मुझे पूरा सीटी का इंट्रोडक्शन ही देना है। ठीक है, कि सीटी क्यों कर रहे हैं, जैसे अगर हम अगर एप्लीकेशन पे चले जाते हैं कि जी सीटी केयूबी की अगर हम बात करें तो वो हम इसलिए करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें जो मुझे किसी ले मैन को किसी आम आदमी को पता होनी चाहिए वो आपने उसमें लिख दी। ठीक है जनाब, ठीक है मैम। ग्रुप 12 की भी मेल करनी है आपने क्या है?
मुझे बेटा अभी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे हो। मेल अभी आनी है, मेल नहीं आती मेरी। देखो अब तो क्लासेस खत्म हो गई, अभी भी ईमेल नहीं आ रही तो मैं तुम लोगों को क्या कर सकती हूँ। मतलब मुझे नहीं आवाज आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे क्या आप लोग बात कर रहे हो। अगर ईमेल नहीं आती तो मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, ताकि मैं फिर 2000 वो पूछना जा रहा है। आपने बोला है ग्रुप 12 में आप लोग ऐड हो जाएं, तो उसके अबाउट पूछ रहा है कि ग्रुप 12 तो अभी आपने साइन किया हुआ है, 11 तक की साइन किया है। ग्रुप 12 का मैं बता रही हूँ ना कि उसके बीच में दो ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के सीनियर्स हैं। तो जो ग्रुप 12 में ऐड होना चाह रहे हैं, जो बच्चे रह गए हैं जिनका कोई नाम नहीं है, वो मुझे सॉरी टॉपिक मैम टॉपिक उनके लिए क्या होगा? टॉपिक उनका जो है, जो लास्ट वाला ग्रुप है, जो लास्ट वाले ग्रुप्स हैं जिनका वो पेशेंट प्रिपरेशन वाला टॉपिक है, उनका टॉपिक वही होगा, ठीक है, उनका लेदर टॉपिक नहीं है। जो लास्ट ग्रुप वाला टॉपिक है 11 वाला, वही टॉपिक जो है वो 12 वाले ग्रुप का भी होगा, ठीक है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा रह गए हैं, जो ऐड होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो प्रेजेंटेशन दें और जो चाहते हैं कि वो वाइवा दें, तो वो अपने आप को खुद ही उसमें ऐड कर लें, मुझे एक ईमेल कर देंगे, हम ग्रुप 12 के हैं, ठीक है। सिलेबस ग्रुप 11 वाला? नो मैम, फाइनल पेपर्स का। फाइनल पेपर सिलेबस, अच्छा फाइनल के अभी जरा ना कंफर्म हो लेने दो कि फाइनल्स का पैटर्न क्या है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम है, वाइवा है, या रिटर्न वाइवा दोनों है, ये क्या है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं हुआ, आज या कल में फाइनल हो जाएगा तो वो फिर मैं आप लोगों को उसके हिसाब से बता दूंगी, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स को टच करेंगे और थोड़ा सा जो क्लिनिकल पार्ट हमारे रह गए हैं, ठीक है, वो होंगे बीच में लास्ट, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स वाला टॉपिक भी फाइनल रखिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ मैम, इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, ना परेशान हूँ मैम, आप करने वाले। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा लेक्चर स्टार्ट कर दूं, आज का बड़ा छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप एंड पे पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद फिर हम कर लेते हैं, सही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नजर आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है पेट सीटी के बारे में, ठीक है, और डेक्सा स्कैन के बारे में। पढ़ना इस तरह है कि हमने सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन लेना है, हमें पता होना चाहिए कि मोडेलिटीज क्या हैं, ये काम कैसे कर रही हैं, ठीक है, और इनका जो थोड़ा बहुत वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये किस तरह से काम करती हैं, ये हम क्यों इनको यूज करें, हमने ये चीजें देखनी है। आप लोगों ने जो बच्चे न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल है काफी तादाद है जो न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ रही है या पढ़ चुकी है, ठीक है, आप लोगों को पेट के बारे में आइडिया होगा, आइडिया है पेट क्या होता है? यस क्या होता है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, और इसमें इसका कोई फिनोमेना, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसके अंदर इंटीरियर फार्मास्यूटिकल देते हैं वो फिर जाकर एक्युमुलेट हो जाता है, जहां पे कैंसर होता है वहां पे जाकर एक्युमुलेट हो जाएगा, यहां पे जहां पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर उसका जब हम लोग स्कैन करते हैं तो वहां पे फिर हमें स्पॉट स्पॉट्स या कूल स्पॉट्स नजर आते हैं, और मैम गामा कैमरा होती है, ठीक है। अच्छा सही है, पेट का यानी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि पेट स्कैन क्या है। पेट बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, ये आपका न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन की जो मॉडलिटीज हैं उनके बीच में आपका पेट स्कैन आता है, ठीक है। अच्छा पेट स्कैन आपके पास बेसिकली एक मेटाबॉलिक स्टडी देता है, ठीक है, मेटाबॉलिक स्टडी का मतलब ये है कि ये आपके टिश्यूज की फंक्शनिंग बताता है सेलुलर लेवल पे या आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, मोलेकुलर बोल लो, मॉलिक्यूलर बोल लो, जो दिल करता है, ठीक है, जितना अंग्रेज बनना बन जाओ, ठीक है। तो पेट बेसिकली क्या काम करता है कि ये आपको फंक्शनल स्टडी देता है किसी भी टिश्यू की, ठीक है, कि अभी हम सीटी जब करते हैं, हम जब एमआरआई करते हैं, अगर हम उसमें कंट्रास्ट, जिस टाइम हम नहीं देते विदाउट कंट्रास्ट, अगर हम कोई चीज करें तो हम उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, ऐसा ही है, क्या ख्याल है? सिंपल, अगर हम इमेज करते हैं एमआरआई की या सीटी की, अगर हम उसमें कंट्रास्ट नहीं दे रहे, ठीक है, विदाउट कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम सिर्फ एनाटॉमी देख रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। सीटी और एमआरआई का इस चीज का तो आइडिया है ना कि वो आपके पास स्ट्रक्चरल इमेजेस हैं, वो आपके पास एनाटॉमिकल आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। जब हम पेट की बात करते हैं, जब हम आपकी बात करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन की मोडेलिटीज हैं, ये बेसिकली आपकी फंक्शनल स्टडीज हैं, ठीक है, ये बताती हैं कि आपकी बॉडी का कोई टिश्यू है, कोई एबनॉर्मल है, वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी है, या आपके पास कोई कैंसर पड़ा हुआ है, या मेलिग्नेंसी है किसी भी तरह की, ठीक है,
तो वो बेसिकली उसका बिहेवियर आपको बताता है पेट स्कैन. बताता कैसे है कि आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, आप वो बॉडी में इंजेक्ट करते हो, वो आप आईवी देते हो, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल आपने दे दिया, उसके बाद वो फार्मास्यूटिकल जाके जिस जिस जगह पे अपटेक उसकी होगी, ठीक है, वो स्पेसिफाइड होते हैं हर रीजन के, जिस जगह पे उसकी अपटेक होगी उधर से आपको पता चलेगा कि अच्छा इस रीजन में यहाँ पे हमारे पास हमारे फार्मास्यूटिकल की अपटेक हुई है, यानी यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है, अकुमुलेट हो गया है. इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमारे पास कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिसने उसको इकट्ठा कर लिया एक ही जगह पे. ठीक है, ऐसा ही होता है. क्या ख्याल है न्यूक्लियर मेडिसिन वाले बच्चों? जी मैम ऐसे ही. ठीक है, पेट आपके पास अब पता चल गया कि पेट आपके पास क्या चीज है. ये आपके पास फंक्शनल स्टडी है, ये आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन देती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे टिश्यू फंक्शनिंग बताती है आपको. ठीक है, सीटी का हमें पता है कि सीटी अब हम अभी तक जो देखते आ रहे हैं, सीटी अब हमें क्या बता रहा था? सीटी हमें सारी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन दे रहा था. ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनाटॉमी डिस्टर्ब तो नहीं हुई, अपीयरेंस कैसी है किसी चीज की. ठीक है, हमने लिवर का देख लिया था, हमने KU भी देख लिया था, हमने और क्या देखे, हमने एब्डोमेन पेल्विस वाली चीजें देख ली थी. तो उसमें भी हमने ये देखा कि हमें बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं. ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसा नॉर्मल होता है. मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों को नॉर्मल एनाटॉमी आनी चाहिए, फिर आप लोग एबनॉर्मल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, तो वो चीजें आपको एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सीटी से मिलती है, और उसके बाद जो आपकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, जो आपकी क्या कहते हैं फंक्शनिंग आपकी किसी भी स्ट्रक्चर की है, वो आपको पेट दे रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं, जो पेट सीटी है, पेट स्लैश सीटी मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास फ्यूजन इमेजिंग होती है. ठीक है, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप दो चीजों को कंबाइन कर देते हो. इसकी कहानी अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक सिंगल मोडेलिटी होती है, ठीक है, सिंगल मशीन है, उसके बीच में आपके पास सीटी की गैंट्री भी लगी हुई है, यानी एक्सरे ट्यूब और उसके डिटेक्टर और सारी चीजें हम सीटी में पढ़ चुके हैं अभी तक, वो भी लगे हुए हैं, और उसके पीछे आपके पास जो है वो पेट की मोडेलिटी भी लगी हुई है, यानी पेट के जितने भी डिटेक्टर और जो भी सारी उसकी फिजिक्स है, जो भी उसकी सारी फंक्शनैलिटी है, वो आपके उसके पीछे लगी हुई है. ठीक है, यानी सिंगल मोडेलिटी है, उसके बीच में आपके पास सीटी की गैंट्री है, और उसके बीच में ही आपके पास पेट की गैंट्री है. ठीक है, पेशेंट आपका जब लेटता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो पहले सीटी में से गुजरता है, यानी सीटी से पहले उसकी एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन आती है, फिर उसी रीजन की आपके पास जो है वो पेट स्टडी आती है. आपने पहले कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देना है. ठीक है, पेशेंट की आपके पास फिर पहले सीटी की इमेज आएगी, एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर आपके पास जो है वो पेट की इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन आएगी. ठीक है, इस इमेज को देखो, नजर आ रही है ना सबको, शेयर हो रही है ना स्क्रीन, इसमें क्लियर हो रहा है कुछ कि किस तरह से आपके पास ये एक ग्राफिकल इमेज है. ठीक है, इसमें सीटी पहले लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास पीछे जो है वो पेट के डिटेक्टर्स हैं. सीटी से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है आपको एनाटॉमिक, उसके बाद पेट में गया तो पेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है फंक्शनल. ठीक है, पेट सीटी फ्यूजन इमेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है? जी मैम, हो गया. जी मैम, हुआ है कि ये आपके पास बेसिकली दो मोडेलिटीज को, न्यूक्लियर मेडिसिन को और जो आपकी एक्सरे की मोडेलिटी है, उसको कंबाइन कर दिया है एक गैंट्री के बीच में, सॉरी एक मोडेलिटी के बीच में, और गैंट्री जो है वो सीटी और पेट की अलहदा अलहदा होती है, लेकिन सिंगल मशीन के अंदर. अपने अपने माइक म्यूट कर लें जिनका भी शोर शराबा आ रहा है. ठीक है, गेंट्री जो है वो कुछ ऐसे नजर आती है, थोड़ी सी ये MRI से सिमिलर है, क्योंकि ये टनल थोड़ी सी इसकी ज्यादा बड़ी होती है. सीटी का हमने देखा कि सीटी की जो गेंट्री है वो थोड़ी कम छोटी होती है, नहीं इतनी बड़ी नहीं होती. ठीक है, MRI की गेंट्री काफी बड़ी होती है. अब अगर हम पेट सीटी की बात करें तो ये भी जरा इस तरह से बड़ी होती है. दोनों तरह से हो सकती है. ठीक है, कि इसमें आगे सीटी की गेंट्री है, पीछे पेट की है, बीच में यानी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, या इस तरह एक बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकती है कि एक पूरा बॉक्स है, ऊपर आगे सीटी और पीछे पेट है. ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है, यानी डिफरेंट जो भी मॉडल्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, ये उस तरह से है. ठीक है, फ्यूजन इमेज का हमें समझ आ गया कि हम ये क्यों कर रहे हैं. क्यों करने की रीजन क्या है कि हमने यही देखना है कि किसी जगह पे हमें एबनॉर्मेलिटी तो मिल रही है, तो अब हमने इसकी फंक्शनैलिटी भी देखनी है कि वहां पे वाकई कोई ट्यूमर इस तरह का पड़ा हुआ है जो अपटेक हमारे पास जो हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया था उसकी अपटेक ज्यादा कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, इसके मैं कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, उससे भी क्लियर हो जाएगा. पेट सीटी स्कैनर क्या है कि मल्टी डिटेक्टर जो है सीटी स्कैनर है. ठीक है, वो आपके साथ पड़े हुए हैं इन कंजंक्शन विद के है पेट के साथ ही, लेकिन सेपरेट है पेट स्कैनर से. सीटी स्कैनर अलहदा है, पेट स्कैनर अलहदा है, लेकिन है वो इकट्ठे पड़े हुए. ठीक है, काम अपना अपना वो कर रहे हैं दोनों. ठीक है, अच्छा जी, पेशेंट जो है पहले सीटी स्कैनर से गुजरेगा, यानी पहले उसकी एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर उसके बाद आपके पास उसकी फंक्शनल इमेज आएगी पेट स्कैन के साथ. ठीक है जी, पेट सीटी हम क्यों कर रहे हैं, वही बात है, एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन आपको सीटी से मिल रही है. अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, आपको ये पता चल जाता है सीटी से, सिंपल सीटी से,
कि अब आपके पास कोई एनाटॉमिक डिस्ट्रप्शन हुई हुई है, ठीक है, यानी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर था नॉर्मल, ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन हुई हुई है, उसकी शेप खराब हुई हुई है, वो बढ़ गया है, उसकी साइज बढ़ गया, स्प्लीनो मेगैली हो गई है, हेपेटो मेगैली हो गई है, साइज कम हो गया है, श्रिंक हो गया, इस तरह की चीजें आपको सीटी से पता चल जाती है। अब अगर आपके पास जो है, लेकिन आप बिनाइन और मेलिग्नेंट टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सीटी के ऊपर, ठीक है, वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे पेट स्कैन के ऊपर। पेट स्कैन के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये चीज हम सबको पता है कि जो मेलिग्नेंट सेल होता है वो हमेशा जो है वो ज्यादा अपटेक लेता है सराउंडिंग से, उसकी ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होती है, वो होता भी हाइपरवैस्कुलर है। क्या ख्याल है, ऐसे ही होता है? यस मैम, यस मैम। तो इसलिए ये चीजें, इस चीजों को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए आप पेट सीटी फ्यूजन इमेजेस करवाते हो, ठीक है, स्पेशली ये चीज देखने के लिए होता है लिम्फ नोड्स देखने के लिए। जो पेट सीटी फ्यूजन इमेजेस है लिम्फ नोड देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि लिम्फ नोड जो है वो आपके पास एनलार्ज नहीं हुए होते, ठीक है, सीटी पे तो जब वो एनलार्ज होंगे हमें उसी टाइम पता चलेगा कि अच्छा इनका साइज बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी के चांसेस हैं। बाजू का ऐसा होता है कि उनका साइज बड़ा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो है वो कैंसरस सेल बन रहे होते हैं और वो कैंसर वहां पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मेलिग्नेंसी जो है वो लिम्फ नोड में आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आपके पास जो है वो डिटेक्ट कहाँ पे होंगी, वो आपके पास पेट के ऊपर होंगी, ठीक है, टाइम से पहले, यानी सीटी से पहले, उनके साइज बढ़ने से पहले पहले जो है वो आपको, अगर आप उसका पेट सीटी उस पेशेंट का करवा लेते हो तो आपको वो पता चल जाएगा कि वो आपके पास एबनॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। अब ये इमेज देखो, जो पहला वाला इमेज है उसमें, ठीक है, ये आपके पास सिंपल सीटी का इमेज है, ठीक है, जो बी इमेज है आपके पास, ये आपके पास पेट का इमेज है, जो सी है वो आपके पास पेट सीटी जो है वो कंबाइन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास बेस ऑफ स्कल का एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एक एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है उसको उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये सिर्फ एग्जांपल है, वैसे तो पेट की जो इमेजेस हैं वो कलर्ड होती हैं, ठीक है, पेट सीटी की इमेजेस हैं वो कलर्ड होती हैं, मैं दिखाती हूँ आगे वो भी है, ठीक है। यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, अगर आप सिंपल सीटी पे देख रहे हो तो आप उसको अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने किया उसका पेट स्कैन, पेट स्कैन जब किया तो आपको सारे उस इमेज में वो एरिया क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पे अपटेक ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब ये वाकई कोई एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। फिर जब आपने इन दोनों इमेजेस को, अपनी एक्सरे वाली इमेज को और अपनी पेट वाली इमेज को जब कंबाइन किया, तो आपको वो वाली जो एबनॉर्मेलिटी थी वो ज्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट होकर नजर आ रही है, ठीक है। क्या ख्याल है, नजर आ रही है कि नहीं आ रही थर्ड वाली इमेज में? अब ये थर्ड वाली इमेज को कंपेयर करो पहली वाले इमेज से, तो यहाँ की एबनॉर्मेलिटी देखो और अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी देखो, तो कैसे नजर आ रही है, पता चल रहा है कुछ? जी बच्चों, यस मैम, ठीक है। अच्छा जी, ये ज्यादातर कैंसर के केसेस में ही की जाती है, हमने बेसिकली जब देखना हो, खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें आपके पास जो है वो या तो ट्रीटमेंट के बाद ज्यादातर पेट सीटी करवाया जाता है फॉलोअप के लिए, ठीक है, यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, उसकी सर्जरी होनी थी हो गई, रिसेक्शन होनी थी ट्यूमर की वो हो गई, ठीक है, और उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी भी हो गई, रेडियोथेरेपी भी हो गई, यानी अब उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो जब फॉलोअप का टाइम आता है, जब आपने ये देखने के लिए कुछ महीनों बाद या एक साल बाद दो साल बाद करते होते हैं पेट सीटी, ठीक है, तो वो देखने उस टाइम पे आप ये देखने के लिए कि अब तो इसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं बन रहा, ठीक है, या कोई ना कोई लिम्फ नोड तो नहीं ऐसा एनलार्ज हो रहा है, या कोई ना कोई लिम्फ नोड ऐसा जिसमें कैंसर सेल डेवलप हो रहे हो, तो ये चीजें आपको पैट से पता चल जाती है। ये बेसिकली सब कुछ खोल के आपके सामने रख देता है कि पेशेंट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये अब इमेज है इसी तरह की, ठीक है, ये आप देख लो, पहली वाली इमेज है यहाँ पे पेट की इमेज है, ठीक है, दूसरी वाली आपके पास इमेज है वो आपके पास सीटी की इमेज है, क्रॉस सेक्शनल भी है, ठीक है, सेरिटल सॉरी कोरोनल इमेज भी है, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाली इमेज है जो कलर्ड इमेज है आपके पास पेट सीटी फ्यूजन इमेज है, ठीक है, ये कलर्ड है, ठीक है, इसमें आपको एबनॉर्मेलिटी भी नजर आ रही है, कलर्ड जो है वो इसके लिए आपको ब्लू के शेड में भी नजर आ सकती है, ये रेड के शेड में, ठीक है, ये शेड जो है ये सारा कुछ स्केल पे जो आपके स्कैनर होता है, जो उसकी पूरी क्या कहते हैं कंसोल होता है, ठीक है, वहां पे ये सारा स्केल वगैरह सेट हो जाता है, ठीक है। कुछ जगह पे इमेजेस आपको ब्लू के शेड में भी नजर आएंगी, नीली नीली इमेजेस भी होती हैं, ठीक है, ये वाली थोड़ी रेड रेड है, तो ये उन्होंने उस स्केल में ली हुई है, सही है। थोड़ा सा क्लियर हुआ है पेट सीटी का कॉन्सेप्ट, क्या आप किस तरह से कर रहे हो? जी बच्चो, अच्छा, इसका प्रिंसिपल पेट सीटी का प्रिंसिपल बेसिकली जिन बच्चों ने आप लोग ऑलरेडी अगर पढ़ चुके हो न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट पढ़ चुके हो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपके पास इमिट करता है पॉजिट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं आपके पास ये आपके पास जाके जो है इनकी
एनाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एनाइलेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि ये फोटॉन्स इमिट करते हैं और वो वाले जो फोटॉन्स हैं वो जाके आपके डिटेक्टर्स पे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इनकी लंबी चौड़ी फिजिक्स है, हम न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं पढ़े इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत बता देती हूँ, पेट जो उसका ट्रेसर है यानी जो उसका रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो आपके पास FDG होता है, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। FDG क्या है? बेसिकली फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज है। ये हम क्यों यूज करते हैं? इसको यूज करने की वजह ये है कि ये आपके पास जो है जो आपका ग्लूकोज है उसका एनालॉग है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज से मिलता जुलता है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह जिन जिन जगहों पर नॉर्मल ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ये वहां पर एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। और अगर किसी जगह पे एबनॉर्मेलिटी है, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं या मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो अपने पास अपटेक जब ज्यादा करते हैं तो वो ग्लूकोज भी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। वो उनको मेटाबॉलिक अपनी जो क्या कहते हैं फंक्शनिंग के लिए जो कैंसर सेल होते हैं, मेलिग्नेंट सेल होते हैं, उनको अपनी फंक्शनिंग के लिए जो है वो आसपास के एरिया से भी सारी चीजें चाहिए होती हैं। वो मेटाबॉलिज्म भी उनका ज्यादा होता है नॉर्मल सेल से, ठीक है। तो इन केसेस में जो FDG है वो आपको उन एरियाज में ज्यादा अपटेक शो करेगा, ज्यादा इकट्ठा हुआ क्यूमुलेट हुआ हुआ नजर आएगा, ठीक है। फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज या FDG यूज करने का रीजन ये है क्योंकि ये आपके पास ग्लूकोज के एनालॉग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनाइलेशन का रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जो पॉजिट्रॉन इमिट होता है, ठीक है, वो आपके पास जब किसी इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी जब इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है। आपके पास दो तरह के जो है वो फोटॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है। ये वाले जो दोनों फोटॉन्स हैं ये जब जाके आपके इसमें कोइंसिडेंस का फिनोमेना होता है, ठीक है, वो कोइंसिडेंस डिटेक्टर होते हैं, काफी लंबी चौड़ी इसकी फिजिक्स है, ठीक है। वो जाके जब आपके डिटेक्टर्स के ऊपर डिटेक्ट होते हैं, ये टकराते हैं, तब आपको आपकी इमेज मिलती है, ठीक है। तो ये आपके पास पेट की थोड़ी बहुत कहानी थी, कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ। ये भी फ्यूज्ड इमेज है पेट CT की, ठीक है। इसमें भी आपको जो है यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी किस तरह से हाईलाइट होकर कलरफुल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब ये वाले इमेज है ये भी ऐसी है, CT है, फिर यहाँ पे आपको एबनॉर्मेलिटी इतना क्लियर नहीं हो रही। पेट जब किया तो पता चला कि अच्छा इस एरिया में यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का सेल पड़ा हुआ है या कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है या कोई ना कोई कैंसर है, ठीक है। और जब आपने फ्यूजन इमेज किया तो आपको वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि आपकी आपको एनाटॉमी भी क्लियर हो गई और अब आपको जो पैथोलॉजी थी या जो भी आपकी एबनॉर्मेलिटी थी वो आपको पेट के थ्रू भी क्लियर हो गई है। ये इमेज भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें ये दो अलहदा है, ठीक है। इस साइड पे आपका टंग कैंसर है, ठीक है। इसके अपेयरेंस देख लो किस तरह की है। नॉर्मल CT पे देखोगे इतना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा, पेट CT फ्यूजन इमेज किया तो उसमें आपको हाईलाइटेड इमेज और बड़ा प्यारा सा कलरफुल इमेज आपको मिल गया। सही है जनाब, पेट CT क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें से, पेट में से? जी बच्चों, थोई हुई वाम क्लियर हो पेट CT में से कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम, नो मैम। चलो गुड हो गया। अच्छा, अब अगली हमारे पास जो मॉडेलिटी आती है वो है आपका डेक्सा स्कैन, ठीक है। डेक्सा का नाम सुना है कभी किसी ने या किसी ने होते हुए देखा हो? डेक्सा क्या होता है किसी स्टूडेंट ने? यस मैम। क्या होता है डेक्सा स्कैन मैम? इसमें बोन स्कैन होते हैं। बोन स्कैन तो आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में भी होता है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन वाला और जो ये वाला डेक्सा ये सेम चीज है? नो मैम, इसमें एक मशीन होती है जिसमें आप पेशेंट को लिटाते हैं एंड देन फिर आप जो है वो स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे कि मैंने पेल्विक का होते हुए देखा था फीमेल के लिए, तो उसमें वो फिर आप देखते हैं एंड देन एक उसी वक्त प्रिंट होकर इमेज बाहर आता है और पता चल जाता है कि पेशेंट ओल्ड, मोस्टली ओल्ड का होता है। ओल्ड पेशेंट में करते हैं, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, डेक्सा बेसिकली क्या होता है? ये होता है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमेट्री, ठीक है। डेक्सा स्कैन, डेक्सा जो ये है ये एक एब्रीवेशन है किसकी? ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमेट्री, ठीक है, या ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं हम, क्योंकि स्कैन करें तो हम इसको एब्जॉर्प्शनोमेट्री कहेंगे, ठीक है। ये स्कैन बेसिकली आपका किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके बीच में आपने ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करना हो, ठीक है। ये स्कैन आपका तब किया जाता है जब आपने पेशेंट्स की बोन मिनरल डेंसिटी देखनी हो। बोन मिनरल डेंसिटी या BMD आपके पास बेसिकली क्या चीज होती है? वो आपके पास होती है कि आपकी बोन के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, या आपकी अगर कोई फीमर है तो आप अगर फीमर की सिर्फ अपर पार्ट में देख रहे हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफाइड या डिफाइंड एरिया में आप देख रहे हो कि वहां पे जो मिनरल का जो कंटेंट है या मिनरल की जो एवरेज कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, ठीक है। ये आपके पास आपका BMD होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का क्या मतलब है? यानी आपके पास बोन के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में जो एवरेज कंसेंट्रेशन है मिनरल्स की वो कितनी होती है, ये आपका BMD है।
ठीक है। तो आप जो डेक्सा स्कैन करते हो तो उसमें बेसिकली आप बीएमडी निकाल रहे होते हो, आप बीएमडी देख रहे होते हो, किसी भी एरिया में बोन मिनरल डेंसिटी देख रहे होते हो। वो आप क्यों देखते हो, इसके काफी सारे रीजन है, इसकी काफी सारी इंडिकेशन है। सबसे बड़ी इंडिकेशन इसकी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज्यादातर खवातीन में होता है, ठीक है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें होता है, या अगर कोई एस्ट्रोजन से रिलेटेड उनके डिसऑर्डर्स हैं उस टाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है, उसके अलावा कुछ थायराइड की कंडीशन में भी आपके पास जो है वो बीएमडी कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, आप उसको डायग्नोस करने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो आपके पास बोन लॉस करती हैं, ठीक है, काफी सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो आपके जो बोन मिनरल का जो कंटेंट है उसको कम करती हैं। तो वो उन चीजों को डायग्नोस करने के लिए, उनको देखने के लिए, टाइम टू टाइम उनको देखने के लिए आप डेक्सा स्कैन करवाते हो, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी इंडिकेशन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसको पी जाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस किस रीजन का हो सकता है, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट मशीन है वो तो काफी सारे रीजन्स का करी है। ये होल बॉडी डेक्सा स्कैन भी होता है, ठीक है, ये आपके पास हिप का होता है, मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो हिप का किया जाता है, ठीक है, यानी फीमर का, और इसके अलावा जो है ये किया जाता है आपकी स्पाइन का, ठीक है, लंबर स्पाइन का, फोरआर्म का भी किया जाता है, बच्चों में यूजली फोरआर्म का किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चार रीजन है जो ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमनली इन्हीं एरियाज का किया जाता है। अच्छा जी, ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने बता दिया, ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली ये है कि आपकी जो बोन है वो अंदर से सारी पोरस हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसकी इमेज भी लगाया है, इसमें देख लो हेल्दी बोन की अपीयरेंस कैसी है और ऑस्टियोपोरोसिस की अपीयरेंस कैसी है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन इतनी पोरस हो जाती है कि विद टाइम जो है इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस रिस्क को एवेल्युएट करने के लिए आप डेक्सा स्कैन करवाते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका फिनोमेना क्या है, ये काम किस तरह करता है, थोड़ा सा बस देखेंगे ये क्या करते हैं। इसमें आपके पास जो है एक्सरेज जो निकल रही होती हैं वो दो सोर्सेज से निकल रही होती हैं, ठीक है। लो डोज एक्सरेज होती हैं, ठीक है, लो एनर्जी की होती हैं, दो सोर्सेज से निकल रही होती हैं, ठीक है। उसमें से अब आपके पास जो एक सोर्स से निकल रही है वो आपकी सॉफ्ट टिश्यू पे अब्सॉर्ब हो जाएगी, और जो एक सोर्स से निकल रही है वो आपके बोन में अब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन दोनों का आपके पास डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, वो डिफरेंस जो है वो आपके पास आपकी बीएमडी निकाल के दे देता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की अमाउंट है वो आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो टोटल एरिया जो जिस एरिया के ऊपर जाके आपकी एक्सरेज टकरा रही थी उस एरिया से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास वो आपको बोन मिनरल डेंसिटी दे देगा, ठीक है। ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्प्शन कह रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब है ड्यूल एनर्जी है, यानी दो सोर्सेज से आपके पास जो है वो एक्सरेज निकल रही हैं, और वो दोनों डिफरेंट एनर्जीज की हैं, ठीक है, और दोनों ही वैसे लो डोज एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपके पास ये निकल आती हैं तो सारा मशीन के अंदर ही प्रोसेस होता है, सारा जो कैलकुलेशन है उसके अंदर ही होती है कि आपको टी स्कोर और जी स्कोर मिलते हैं, वो हम देखते हैं वो क्या चीज है। डेक्सा की टेक्नोलॉजी किस तरह से है, ये उसकी मशीन की क्या कहते हैं ग्राफिकल इमेज है, ठीक है। इसमें अब आपके पास एक्सरे सोर्स है, टेबल के नीचे यूजुअली जो है वो एक्सरे सोर्स होता है, दो तरह की आपके पास जो है वो एनर्जीज निकल रही हैं, पेशेंट से टकरा रही हैं, और ऊपर जो है वो डिटेक्टर लगा है वहां जाके डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। और डिटेक्टर के ऊपर आपके पास बोन की जो है वो अलहदा से डिटेक्ट होती है, और जो सॉफ्ट टिश्यू की है वो अलहदा से डिटेक्ट होती है एनर्जी, ठीक है। क्लियर हुआ है कुछ, ये आपके पास डेक्सा स्कैन की इमेज है कि ये किस तरह से आपको इमेज देता है। नीचे जो है इसका ऊपर देखोगे तो ऊपर वाले एरिया पे आपके पास जो है वो डिटेक्टर्स होंगे, नीचे जो है वो एक्सरे सोर्सेस पड़े होंगे, ठीक है। डेक्सा स्कैन के बारे में क्लियर हुआ है कि क्या चीज है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, पता चला है कुछ, क्या ख्याल है जी? यस मैम, ठीक है। कभी होते हुए अगर देखा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो भी खैर है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि टी स्कोर और जी स्कोर होते हैं। टी स्कोर और जी स्कोर बेसिकली क्या होता है कि जब आपका डेक्सा स्कैन हो जाता है तो डेक्सा स्कैन को इंटरप्रेट किया जाता है टी स्कोर और जी स्कोर के साथ, ठीक है। टी स्कोर बेसिकली ये WHO ने जो है वो डिफाइन किया है कि इनकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और जो इनके हिसाब से आप डायग्नोस करते हो कि इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में ही आता है कि नहीं आता, ठीक है। टी स्कोर आपके पास बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी बंदे की जो बोन डेंसिटी है उसका कंपेरिजन होता है एक हेल्दी बंदे के साथ, हेल्दी बंदे की जो यानी सेम जेंडर का पेशेंट होता है, हेल्दी पेशेंट के साथ, या 30 ईयर ओल्ड या 25 से 35 ईयर ओल्ड के पेशेंट के साथ जो कंपैरिजन आप करते हो बोन डेंसिटी का किसी पेशेंट का, वो आपके पास टी स्कोर देता है, ठीक है। और जी स्कोर आपके पास क्या होता है कि वो कंपैरिजन होता है किसी भी बंदे की बोन डेंसिटी का उसी एज और उसी जेंडर के पेशेंट के साथ जो एवरेज नॉर्मल पर्सन है उसका, हेल्दी पर्सन नहीं है, एवरेज पर्सन के साथ है जो कंपैरिजन है वो जी स्कोर है। अगर आप किसी हेल्दी पर्सन के साथ कंपेयर करके जो स्कोर निकाल रहे हो वो आपके पास टी स्कोर है, ठीक है, बोन डेंसिटी का। ये निकालना आपका काम नहीं है, ये यूजुअली मशीन जनरेटेड ही होता है कि ये किस तरह से निकल रहा है। टी स्कोर को आप किस तरह से देखते हो, टी स्कोर जो है अगर आपके पास -2.5 से कम चला जाता है, ठीक है, -2.5 से कम
अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें, ज्यादा बेहतर है। टी स्कोर जो है अगर उसकी हम बात करें, अगर वो -2.5 से आपके पास नीचे चला गया, -3 -4 तक चला गया, ठीक है, तो वो आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर वो आपके पास -1 से लेकर -2.5 के दरमियान में है, 2.5 के दरमियान में है, तो वो आपको बताता है कि पेशेंट की जो बोन डेंसिटी है वो लो है, यानी ऑस्टियोपेनिया है, ठीक है। और अगर आपका जो टी स्कोर है वो -1 से ऊपर चला गया है और आगे 4-5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो बोन डेंसिटी है वो नॉर्मल है, ठीक है, यानी इसमें आपको जो फ्रैक्चर के चांसेस जो है या जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है वो कम है, ठीक है। -2.5 से कम होता जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर -1 से ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मल, ठीक है। जी स्कोर की अगर बात करें तो जी स्कोर जो है वो हेल्थी पेशेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है, खासतौर पर जो बच्चों में और जो प्री मेनोपॉजल वुमेन है उनके अंदर आप जी स्कोर लेते हो, ठीक है। जी स्कोर अगर आपके पास -2.0 से कम होगा तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड रेंज है आपके पास एज की, ठीक है, उससे उस पेशेंट की बोन डेंसिटी जो है वो कम है। अगर आपके पास जी स्कोर जो है वो -2 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन? डेक्सा स्कैन क्या होता है? जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, तो उनको एटलीस्ट अब थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि डेक्सा होता क्या है, ठीक है। यूजली ये लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, जो बच्चे इसको बोन स्कैन कह रहे थे, बेटा ये बोन स्कैन नहीं होता, ठीक है। इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है, आप अगर किसी क्लिनिकल सेटिंग में जाओगे जहाँ पे डेक्सा स्कैन होता है, ठीक है, वहां पे आधी से ज्यादा आवाम वो आ रही होती है जो बोन स्कैन समझ के आ रही होती है, ठीक है। तो ये बोन स्कैन नहीं होता। बोन स्कैन की अगर आप बात करते हो, बोन स्कैन आपका न्यूक्लियर मेडिसिन वाला होता है, वो नाम उसके लिए स्पेसिफाइड है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग आगे गाइड कर सको। बोन स्कैन जो है वो आपका न्यूक्लियर मेडिसिन का है। डेक्सा स्कैन की जब बात करेंगे तो ये आपकी बोन डेंसिटी को बताएगा, ठीक है। आप ये पेशेंट से पूछोगे कि आपने स्कैन कौन सा, अगर पेशेंट आगे कहता है कि मैं तो कैंसर का पेशेंट हूँ, ये वो, तो आपको आपके माइंड में खुद ही क्लिक होना चाहिए कि अच्छा, ये अगर इसका इस तरह का मसला है तो ये अपना बोन स्कैन कराएगा जाके, ये डेक्सा स्कैन नहीं करवाएगा, ठीक है। डेक्सा स्कैन कब करवाएगा? जब उसको पेन वगैरह हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है, रिस्क का खतरा है, ठीक है, फ्रैक्चर रिस्क जो है उसके बहुत ज्यादा है, पेशेंट को फ्रैक्चर हो रहे हैं ऑलरेडी, तो वो फिर चेक करवाने आ रहा है कि क्या मसला है, ठीक है। तो वो केसेस जो है आपके पास वो डेक्सा स्कैन के अंदर आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? जी बच्चों, समझ आ गई है? हमारा वैसे ये सीटी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, सीटी आप लोगों की खत्म हो चुकी है, मेरी तरफ से मैंने जितना मैं पढ़ा सकती थी उतना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है सीटी में कोई ऐसा इस तरह की चीज रह नहीं गई जो आप लोगों को बैचलर्स लेवल पे मेरा नहीं ख्याल के आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने खुद से पूछना हो तो आप मेरे से किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब हमारी सिर्फ असेसमेंट्स रह गई है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम इसी वीक में खत्म कर लेंगे। जी जी मैम, अगर आपके पास कोई लेक्चर्स पड़े हो ड्राइव में, किस चीज के लेक्चर्स मैम? रिकॉर्डिंग किस चीज की? रिकॉर्डिंग में साथ साथ सेंड तो करती हूँ हर किसी की, मैंने तो बताया था कि वो 8 दिन बाद जो है वो डिलीट हो जाती है, तो आप उसको खुद ही अरेंज कर लो, जिस तरह भी करना है, क्या करोगे उसका। रिकॉर्डिंग में सिर्फ लेक्चर पढ़ लो। एक बच्चे ने ना यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरे ख्याल में 5th सेमेस्टर का है, उनके उस यूट्यूब चैनल पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा, वाह, तो मुझे बता देते, मैं खुद यूट्यूब पे डाल देती हूँ, उस बेचारे ने इतनी एफर्ट क्यों की है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, बस एक लड़के के अलावा। तो ठीक है, वहां से सुन लो फिर, मुझे तो कोई मसला नहीं। मैं बड़े यहाँ पे कोई आइटम बम बनाने के लेक्चर दे रही हूँ ना, जो सीक्रेट है या लीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां से सुन लो, कोई मसला नहीं है। क्या हो सकता है मैम? आपके लेक्चर सुनने लाइक होते हैं मैम? लेक्चर की रिकॉर्डिंग कौन कौन से लेक्चर्स की चाहिए? पिछले तो मैं सारे वैसे भेज चुकी हुई हूँ आप लोगों के पास, मेरे ख्याल में नहीं चाहिए सबके पास। मैम 14 की नहीं है, सिटी फॉर ब्रेन का सेकंड लेक्चर 14। सिटी फॉर ब्रेन का सेकंड लेक्चर। अच्छा, मैं ना उसकी फिर निकाल के भेज दूंगी, आप उसमें मुझे बेटा एक ईमेल कर देना, ठीक है, ताकि ना मैं उसको देख के भेज दूं। तो मैं आपको कर दूंगी सेंड। मैम मस्कुलर स्केलेटल वाला टॉपिक भी हमने का लेक्चर नहीं, क्या कम है मस्कुलोस्केलेटल वाला लेक्चर कोई है या नहीं?
उसका लेक्चर नहीं है, उसकी मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है। असाइनमेंट उसी टॉपिक की होती है जो टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता, ठीक है। उसका मैंने बेसिकली उसके ऊपर मैंने इसलिए इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल जो है वो कम आता है क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट उसकी पोजिशनिंग और ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर चाहते हो तो उसका लेक्चर कर लेंगे, मुझे कोई इशू तो नहीं है, लेकिन देख लो आप लोगों की जैसे मर्जी है, करना चाहते हो तो कर लेंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हम सैटरडे को रख लेते हैं फिर इसका लेक्चर अगर चाह रहे हो तो, या वैसे डिस्कस करना होगा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। बल्कि मेरा ख्याल है हम सैटरडे को या हमने एनजीओ की भी जब असाइनमेंट किया ना उसके बाद फिर हमने असाइनमेंट भी डिस्कस किया है, सैटरडे को तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन और सारा कुछ है ना, ठीक है। तो हम जो अपना वेंसडे वाला लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट वेंसडे वाला, ठीक है, जो किस डेट को बनता है, जो आपका 20th को है, ठीक है, वेंसडे को जो लेक्चर है, उस 20th वाले लेक्चर में ना हम डिस्कस कर लेंगे सीटी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चन होंगे वो भी, मस्कुलोस्केलेटल को भी डिस्कस कर लेंगे, मैं भी इसका लेक्चर बना के ले आऊंगी, ठीक है। बाकी टाइमिंग वगैरह का जिस जिसको मसला है वो मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो लेकिन देने वाले बनो, और ये सैटरडे के अंदर अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं डिले नहीं करूंगी किसी की भी प्रेजेंटेशन को या किसी की भी उसको वाइवा को, ठीक है। चलो जी लेक्चर एंड कर दूं, तो क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। मैम असाइनमेंट कल रात 12 बजे तक कर सकते हैं या 8 बजे तक? असाइनमेंट आप मुझे कल 8 बजे तक कर सकते हो, ठीक है, थर्सडे को 8 बजे तक आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। मैम 12 बजे कर दें? यस मैम 12 बजे तक कर दें। हद हो गई है अभी, मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा का टाइम है, ठीक है, अभी भी तुम लोगों को 4 घंटे ऊपर जाएंगे। मैम अभी असाइनमेंट बना रहे हैं, ऑलरेडी 4 असाइनमेंट पेंडिंग में बड़ी हुई है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी असाइनमेंट बनाओ, पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटों से भी बल्कि 4 घंटे ऊपर ही है, ठीक है। मैम 4 बजे करवानी है, 12 बजे तक का कर दें टाइम, इतनी रिलैक्सेशन दे देंगे आप। 8 बजे तक टाइम है, सुबह 8 बजे तक है, मेरी बात सुनो, रात 8 बजे तक टाइम है, ठीक है। सबमिट करवाने वाले बनो, तुम लोग तो कसम से पढ़ना ही नहीं चाहते, मुझे तो यही लगा है तुम लोगों को देख के, इतना डिले मैंने डाला। तो मैं पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, इतनी असाइनमेंट मिली है, वैसे जाबश पढ़ो पता चल जाएगा उसमें फाइनल्स में भी, और फिर आप लोगों की वाइवा शाइवा में भी कि क्या कर रहे हो, ठीक है। मैम रात 2 बजे तक कर देंगे, रात 12 बजे ठीक है। मैम 12 बजे ठीक है, अच्छा ठीक है, जाओ सबसे वो 12 बजे तक मुझे सबमिट करवा दो, सबमिट करवाओ बस, करवाने वाले बनो। ओके मैम, ओके मैम, ज्यादा मिल जाएगा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, क्यों मैम। इसके बाद अगर किसी की आएगी तो उसको मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी बीच में, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा, पहले बता रही हूं, इससे ज्यादा लेट हम मैं नहीं इसको असाइनमेंट को लेके चल सकती, क्योंकि कल कोऑपरेटिव है। ओके मैम, थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं, इस समस्या में सबसे बेस्ट टीचर आप ही हैं। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कोई शौक नहीं होता कि मैं बच्चों के ऊपर काम का प्रेशर डालूं या बर्डन डालूं या मैं अपनी वो क्या कहते हैं गुस्सा दिखाऊं या कुछ, है ठीक है, मुझे ये होता है कि जिसने पढ़ना है उसने पढ़ ही लेना है। नहीं मैम, इस सेमेस्टर में सबसे सही आप ही हमारे साथ, कोऑपरेटिव भी और सपोर्टिव भी, पूरी यूएमटी में मैम, बल्कि इस सेमेस्टर में नहीं पूरी यूएमटी में, बात है मैम, कौन सेमेस्टर बहुत अच्छा है। हां हां, अब तुमने सबसे अच्छा फीडबैक भी आपका ही दिया है, मैम सबसे अच्छा फीडबैक भी हमने आपका ही दिया है। अच्छा मेरा फीडबैक दिया तुम लोगों ने? यस मैम, मैम सबसे अच्छे वाला मैम, लेकिन इस खुशी पर तुम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है, मार्क्स तुम लोग उतने नहीं मिलेंगे। कितना मतलब अगर मेरे पास कोई डेडलाइन है, अच्छा चलो भी ठीक है, अच्छी बात, चलो बस मुझे ये होता है कि यार पढ़ लो, ठीक है, टाइम अगर डेडलाइन कोई मेरे पास है तो मैं उस डेडलाइन से पहले पहले तुम लोगों से बात करवा लूं, ठीक है, और तुम लोग अपना काम कर लो, जी मैं इंशाल्लाह पढ़ लूं, करने वाला बनो, चलो सही है, लेक्चर मैं एंड कर रही हूं, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे फिर ईमेल कर लेना, काउंसलिंग आज से मैंने भेज दी हूं मैं, अगर किसी को वो मसला तो आप लोग आ भी सकते हो, ठीक है, चलो ओके मैम, अल्लाह हाफिज़, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू।